आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। षट आवश्यक क्रियाएं होती हैं, यह तो आप जानते ही, लेकिन श्रावक के धर्म कितने होते हैं किसी को पता है? श्रावक की षट आवश्यक क्रियाएं होती हैं, लेकिन श्रावक के धर्म कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो श्रावक के चार धर्म होते हैं। कितने धर्म होते हैं? 10 धर्म तो सबके हैं, आचार्य के गुण में भी हैं, आपके में भी, लेकिन श्रावक के कितने हैं? तो चार धर्म हैं। कितने धर्म हैं? चार धर्म हैं। कौन कौन से चार हैं? तो सबसे पहला है पूजन। श्रावक के जो चार धर्म हैं उसमें सबसे पहला है पूजन, दूसरा है दान, तीसरा है सील और चौथा है उपवास। क्या है? श्रावक के जो चार धर्म हैं उसमें पहला है पूजन, दूसरा है दान, तीसरा है सील और चौथा है उपवास। ये श्रावक के चार धर्म होते हैं और इन चार धर्मों को श्रावक को करने का प्रयास करना चाहिए। पूजन क्या होती है कि अष्ट द्रव्य से जिनेन्द्र भगवान की जो अर्चना की जाती है उसको पूजन करते हैं। पूजन करने का तात्पर्य यह है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन पूजन करने वाला भी पूज्यता को प्राप्त होने का प्रयास करता है। हम पूजन क्यों कर रहे हैं? कि हम भी कभी ना कभी मोक्ष मार्ग में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की भांति आगे बढ़ने का प्रयास करें। और पूजन किसकी होती है पता ही मुझे? पूजन उसकी होती है जो परम पद में स्थित हैं, पंच परमेश्वरी हैं, या जो पूज्यता को प्राप्त हो चुके हैं उनकी ही पूजन होती है। आज आपका बेटा कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में आ जाएगा, उसका मान सम्मान हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसकी लोग पूजा नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका कोई रिश्तेदार, दूर दराज का रिश्तेदार संत बन जाए तो उसकी पूजा पूरी दुनिया प्रारंभ करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि पूजन उसकी होती है जो पूज्यता को प्राप्त होते हैं। और पूज्यता को जो प्राप्त होते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए पूज्य होते हैं। लेकिन जो कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आज किसी का 90 नंबर आया और 2 साल बाद किसी का 99 नंबर आएगा तो फिर लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो एक बार पूज्य पद में स्थित हो जाता है, परम पद में स्थित हो जाता है, उसकी चर्चा सदियों लोग करते हैं। तो पहला क्या है? अष्ट द्रव्य से पूजन। दूसरा क्या है? दान। दान कई तरह से होता है, उसमें करुणा दान भी समाहित है। चार प्रकार के दान तो मैंने कल आपको समझाए थे, लेकिन एक करुणा दान है, परोपकार का दान है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, घर में जब 5 लोग मिलकर भोजन करते हैं तो उन 5 लोगों को मिलकर 1 रोटी अलग से निकालना चाहिए, कि कम से कम हम 5 लोग भोजन कर रहे हैं लेकिन हमारे परिवार की ओर से 1 रोटी का दान, 1 सब्जी का दान, 1 फल का दान, 1 दाल का दान, 1 अनाज का दान निकलेगा, जिससे कम से कम क्या होगा, यदि प्रत्येक परिवार यह संकल्प कर ले तो जो मैं कल्पना लेकर चला हूं कि भारत देश में भूखे तो लोग उठेंगे लेकिन रात में कोई भूखा सोएगा नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि हमारे परिवार की ओर से मात्र 1 रोटी, बहुत बड़ी चीज नहीं बोलता हूं मैं आपसे, 1 रोटी, साल भर की जितनी रोटी होती है उसका 1 बार निदान कर दिया तो सारा काम संपन्न हो जाएगा। परोपकार, परोपकार हर कोई करता है। हम तो इंसान हैं, नदी भी परोपकार करती है, वृक्ष भी परोपकार करते हैं, हवा भी परोपकार करती है। यदि नदी परोपकार करना बंद कर दे, उसे पानी ना हो तो क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी। यदि वृक्ष परोपकार करना बंद कर दे कि जो फल फूल आदि देना बंद कर दे तो क्या होगा? ये भी परोपकार है। जो दूसरों के ऊपर किया जाता है वह परोपकार हुआ करता है, उपकार हुआ करता है। तो वृक्ष करते हैं, नदी करते हैं, फिर तो हम इंसान हैं। आप चींटी को बचाने का प्रयास करती हो,
मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ है, उस जाति में हुआ है कि जहां पर यदि चींटी भी है तो उसकी रक्षा की जाती है और बाकी जगह पर तो क्या होता है आपको मालूम है। ये लेकिन जैन धर्म में उस कुल में जन्मे हम लोग हैं कि यहां पर यदि चींटी भी है तो इंसान क्या करता है, एक खरगोश, खरगोश को बचाने के लिए तीन टांग पर हाथी खड़ा रहा, कौन सा हाथी, सत्य घोष हाथी, क्या नाम था, सत्य घोष हाथी की खरगोश ना मर जाए इसलिए हाथी जो है तीन टांग पे खड़ा रहा। आप सोचिए जब जीव जीव को बचा सकते हैं, त्रियंश त्रियंश को बचा सकते हैं तो क्या हम इंसान होके इंसान की रक्षा नहीं कर सकते। आपके अंदर तो सामर्थ्य है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितने दुनिया में लोग हैं चाहे वो त्रियंश हो चाहे मनुष्य, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वह अपने रहने का घर बना सकते हैं। त्रिखिरते बिल बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं और मनुष्य भी अपनी बिल्डिंग बना लेता है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक दूसरा गुण भी है कि वह अपने रहने के घर के साथ साथ में जिन भगवान का जिन मंदिर भी बना सकता है। यदि सामर्थ्य है तो मात्र मनुष्य लोगों में है और किसी में नहीं है। अब आपके अंदर की योग्यता प्रकट हो रही कि नहीं हो रही पता नहीं। तो पहला क्या है, पूजन, दूसरा दान, तीसरा है शील, जो हमारे नियम हैं, हमारे व्रत हैं, उनका पालन करना। शील व्रत कहते हैं ना, असी धारा के समान चलना है, उनका पालन करना, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को, अष्टानिका पर्व में, पर्युषण पर्व में। और लोग कहते हैं कि एक समय के बाद में तो आदमी को भगवान के माता पिता बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के माता पिता बन गए मतलब नियम हो गया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में पांच कार्य जरूर करना चाहिए। कितने कार्य, पांच कार। सबसे पहला कार्य है श्री सम्यक शिखर जी की वंदना। और वंदना कैसे करना, भाव शहीद बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति ना होए। लेकिन शिखर जी में तो बहुत सारे त्रियंश पहाड़ पे घूमते हैं, आप देखते हैं ना, बैल घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, बकरी घूम रही, कुत्ता घूम रहा है, कौन है ये त्रियंश, कौन है पता आपको, ये पिछले जन्म में मनुष्य थे और इन्होंने पहाड़ में जाकर सब कुछ खाया पिया, उस कारण से त्रियंश बन गए। तो आप मनुष्य बनके शिखर जी में खाओगे तो मैं नहीं कहता बनोगे लेकिन बन सकते हो। इसलिए कम से कम समय शिखर जी की तलाटी से नियम लेकर जाएं, खाना भी है तो अपने साथ लेकर जाएं। पारसनाथ भगवान की टोक बाद में पड़ती है, पहले वहां चाट पकौड़ी की दुकान चालू होगी, ब्रेडी बिस्कुट बिक रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बिक रही है और जो चीज पता नहीं कितने दिनों पुरानी रखी है उसको तुम मजे से खा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं बता रहा था आपको कि पांच कार्य प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है श्री सम्यक शिखर जी की वंदना। दूसरा, कभी ना कभी जीवन में किसी पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्र माता पिता आदि विशेष पद को प्राप्त करना। तीसरा, अपनी सौद्रव्य से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ कराना। चौथा, अपने द्वारा जीवन में कभी ना कभी किसी निर्ग्रंथ मुनि को पिछली उपकरण देना। लेना तो अलग चीज है लेकिन देना, क्योंकि देने के बाद में मुनि महाराज के पास में सबसे ज्यादा कौन सी पेन थोड़ी देर के लिए है, कमंडल भी एक प्रकार से बाहर है लेकिन पिछली क्या होती है 24 घंटे चलती है। उस पिछली से 24 घंटे महाराज जिन वंदना करते हैं, प्रतिवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परिमार्जन करते हैं, कितना पुण्य मिलता है। और पांचवा, अपने द्वारा कभी ना कभी किसी जिनालय में एक राई के बराबर, सरसों के दाने के बराबर जिन प्रतिमा जी करना, आहार आदि लेना। ये पांचों कार्य अपने जीवन में आपने कर लिए तो समझ लेना की जैन कुल का लगभग लगभग सारा काम आपने संपन्न कर लिया। तो शील व्रत का पालन करना। कहते हैं कि जीवन में भगवान की जब माता पिता बनने की बात आएगी तो ऑटोमेटिक शील व्रत हो जाएगा। अभी हम विधान चल रहा है, विधान में सभी ज्योति जी स्वतंत्र बन गए और सारे के सारे काम संपन्न हो गए यहाँ पर सारे। हाँ, ये विधान में स्वतंत्र बन गए, सारे का सारे काम संपन्न हो गया, सारी की सारी क्रिया का, तो ये तो विधान के स्वतंत्र इंद्र है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान जी ऐसी कृपा करो कि मेरे यहाँ तो बहुत सारे पंचराख हो और सारे के सारे लोग स्वतंत्र इंद्रदानी बनकर बैठे और सबके जीवन में। जब हम पंचराख कराएंगे तभी तो स्वतंत्र बनोगे आप भाई, स्वधर्म का बनोगे जब पंचना होंगे तो हम देते भाई की पंचना मुनियों के सामने मेरे सामने हो। और प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म, पहले भगवान जी का मंदिर बनता था बहुत विशाल लेकिन पंचना नहीं होता था, प्रतिमा वहां वहां से प्रतिष्ठित होकर जाती थी। लेकिन आज पंचना भी होता है, क्यों, क्योंकि आपको अपना अवसर मिलता है। व्रत पालन करें, शील व्रत का धारण करें। उसके बाद चौथा क्या बताया मैंने आपको, उपवास। उपवास तीन तरह से होता है, कितने तरह से होता है उपवास, तीन तरह से। पहला तो होता है उपवास जिसमें निर्जल रखा जाता है,
दूसरा होता है अनुपवास। क्या होता है? अनुपवास। अनुपवास समझते हो क्या होता है? अनुपवास जो होता है वह जल लेकर होता है, उसको अनुपवास कहा जाता है। और तीसरा होता है एकासन। मतलब एकासन मतलब एक आसन पर बैठकर खाना। अभी लोग कहते हैं महाराज जी हमारा एक आसन है और नीचे भोजन चलता है तो थाली लेके घूमते घूमते खाते हैं। ध्यान रखना, मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि जो घूम घूम कर खाता है वह मनुष्य नहीं है। ध्यान रखना, चाहे भोजन कहीं पर भी हो, जो घूम घूम कर खाता है वह मनुष्य नहीं है। क्योंकि घूम घूम कर खाने का अधिकार किसको है? जोर से बोलो ना, घूम घूम कर खाने का अधिकार किसको है? तो जिस दिन घूम घूम कर खा रहे हो उस दिन समझना कि हम लोग मनुष्य नहीं है, बल्कि जिस दिन घूम के खाते हो, जिस दिन बैठ के खाते हो उस दिन कोई बात नहीं है, जिस दिन घूम घूम कर खाते हो उस दिन समझ के चलना कि हम लोग कहीं ना कहीं मनुष्य गुण से त्रेंच गुण की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मनुष्य हो, मनुष्यता में रहो। ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति अपने घर में जब भोजन करने की टेबल पर बैठता है और दाल लेट हो जाए, चावल लेट हो जाए, फुल्का लेट हो जाए, तो गुस्से में खाना छोड़ देता है कि मुझे नहीं खाना। और यहां पर जब शादी ब्याह में जाते हैं तंदूरी रोटी के सामने क्या कहते हैं? तंदूर देना, रोटी देना, चावल देना, क्या है? घर में यदि प्रेम पूर्वक मिल रहा है तो आदमी छोड़ के आ जाता है। और वहां महफिल में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं लोग। श्रावक के चार धर्म होते हैं, दान, पहले पूजन, फिर दान, फिर शील, और चौथा उपवास। उपवास पूरा निर्जल करना भी उपवास है, जल से करना भी उपवास है, एकासन को भी कहीं ना कहीं उपवास माना है। लेकिन एकासन का मतलब ये नहीं कि तुम अन्य एक टाइम खा रहे हो, पांच बार जल पी रहे हो, वो एकासन नहीं कहलाएगा। एकासन मतलब एक बार में एक जगह पर बैठकर खाना। यदि आपने उठकर पानी भी ले लिया तो एकासन भंग हो जाएगा। बात समझे आप लोग? यदि आप एकासन करने बैठे हो और आपने यदि मान लो बैठ के खड़े होकर थोड़ा टहल भी लिया तो भी आपका एकासन भंग हो जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग एकासन करने बैठते हैं और थाली में सामान आ गया, मौन पूर्वक भोजन करते हैं और कोई चीज खाने वाली पसंद वाली चीज है वो नहीं आ रही, मौन है। और कई बार क्या होता है, पहले के जमाने में जब लोग भोजन करते थे तो पटरे पर बैठकर करते थे और परोसने वाला उनके सामने बैठ के परोसता था। पहले ऐसा हुआ करता था। आज जैसे आप साधु को आहार देते, कैसे देते हो? सामने से सुधी से बारीक से देते ना। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि वहां पर क्या किया उन्होंने, एक बार ऐसे ही हुआ, एक वैदिक संप्रदाय के संत कहीं कथा करने गए, एक काल्पनिक कथा होती है बताने के लिए। तो भोजन करने किसी के यहां पहुंचे, वहां मोहन आदि का व्यवस्था तो होती नहीं है, तो गृहिणी ने, गृह का जो स्वामी था उससे संत को वहां पर टेबल पर बैठा दिया जो व्यवस्था थी, और पीछे बैठ के उनको परोसने लगी। अब वहां पर पापड़ भी बने थे, पापड़ समझते, पापड़ बना था, सब कुछ परोस रही है लेकिन पापड़ उसके पीठ के पीछे है, पापड़ उसके पीठ के पीछे है। अब संत जी इशारा भी कर रहे लेकिन समझ नहीं रही, पापड़ चाहिए उनको, अब क्या करें? तो संत बोले एक काम करो, भोजन करने में मुझे थोड़ा समय लगता है, मैं कहानी सुनाता हूं। वो बोले बहुत अच्छी बात है कि कहानी सुनते सुनते हमारे संत कहानी सुना रहे हैं। बोले मैं अभी जब आपके घर के पास से आ रहा था, तो आप पता क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले एक बहुत बड़ा सांप था। बोले बहुत बड़ा सांप था? तो गृहिणी बोले इतना? बोले नहीं और बड़ा। बोले इतना नहीं? बोले और बड़ा। बोले कितना बड़ा? अरे बोले इतना बड़ा सांप था कि मैं यहां बैठा और वह पापड़ तक सांप था, मैं यहां पर बैठा हूं और जहां पर वह पापड़ रखा है वहां तक सांप था। उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे बोले मैं तो पापड़ देना भूल गई। उसने उठाया और पापड़ परोस दिया। क्या कहा? उसने कहा मैं पापड़ देना भूल गई, उसने उठाया पापड़ और परोस दिया। ऐसा नहीं, ठीक है, भाव सबके होते हैं। और कई बार चौके में होता ना, आप चौके में इतनी सारी चीज बनाते हो कि जैसे ही महाराज जी का आहार हो गया, अरे महाराज जी तो चीज रह गई, महाराज थोड़ी बुलाई चीज रह गई, और महाराज को थोड़ी पता तुम्हारे क्या बना हुआ है, तुम तो जो थाली में दिखा तुमको ले लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब साधु महाराज आए तो पूरा दिमाग वहीं लगा लो, गड़बड़ में लगा रहोगे तो क्या होगा? कोई आहार देके जा रहा, अरे वो फल लेके जाना, अरे पहले तुम जिनके लिए आया है वह तो काम करो। मंदिर में आते हो पूजन करने के लिए, मनोभाव से पूजा करो। गुरु का आहार देते हो, मनोभाव से आहार दीजिए। शास्त्र स्वाध्याय करते हो, मनोभाव स्वाध्याय कीजिए। और जब आप महफिल में जाते हो वहां भी मनोभाव से महफिल का आनंद लो ना। अब आप महफिल में बैठे हो, वहां कोई नमोकरण का पाठ चालू कर दे, फिर क्या होगा? क्या होगा?
इसलिए जब महफिल लगती है, शादी ब्याह होते हैं, तो सबसे पहले ही नमोकार मंत्र का पाठ, गुरु का स्मरण, भगवान के स्मरण पहले ही कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे घर में जो आने वाला कार्य है वह निर्विघ्न संपन्न हो। कोई भी शादी का कार्ड आता है, सबसे पहले शादी कार्ड आए, चाहे बच्चा धार्मिक हो चाहे ना हो, लेकिन शादी कार्ड में महावीर आए, नमा पार्श्वनाथ आए, नमा ऋषिनाथ आए, नमा सिद्धांत सागर आए, नमा सुभाग, जो जो होता है सब नाम लिखते। क्यों? क्योंकि हमारा इनके माध्यम से मंगल हो जाएगा। तो अपने जीवन में जब भी कार्य करो, पूरा करो, एक बार हाथ जोड़िए, हमारे पास, बोलिए हमारे पास, जेब में मोबाइल है, जोर से बोलिए हमारे पास जेब में मोबाइल है, इसी कारण से हमारी स्माइल दूर है। क्यों दूर है? क्यों भैया, चक्कर लगा ना, जेब में बच्चा आएगा पता नहीं, जैसे मान लो धोती पट्टे में आदमी बैठा, उसको चिंता नहीं, कहाँ रखा पता नहीं, क्यों आहार देने आते हो पता नहीं, क्यों विकल्प नहीं है, और जब विकल्प रहेगा तो पता नहीं घंटी बाजू वाले की बज रही है। सबको पता है कि मेरे फोन में रिंगटोन कौन सी सेट है, सबको मालूम है, लेकिन किसी की भी घंटी बजती है आदमी का दिमाग जाता ही नहीं जाता है। रिंगटोन अपने आप बदल गई है ना, तो ना आपको पता है कि मेरे फोन की रिंगटोन ये है। गाड़ी का हॉर्न पता है लोगों को, कौन सी गाड़ी का हॉर्न बजेगा तो क्या करेगा आदमी, आपके पीछे डेड एंड है, आपकी गाड़ी सबसे पीछे रखी हुई है, और लेकिन हॉर्न यदि आजू बाजू बज रहा है तो आदमी पीछे जरूर देखता है, उसको पता है कि गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत पड़ी है इंसान की, आदत नहीं है, ये आपका मन का जो है ना एकाग्रता नहीं है, और मन की एकाग्रता भंग होती है इसलिए ये सब संकल्प विकल्प होते हैं। मन को एकाग्र करिए। तो श्रावक के चार धर्म है, पहला है पूजन, दूसरा है दान, तीसरा है शील, और चौथा है उपवास। इनको करिए, अपने जीवन कल्याण करिए। महानुभाव में रोज कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना आवश्यक है, चाहे दिन में 1 मिनट करो, चाहे 3 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, स्वाध्याय के बिना जीवन में मुक्ति नहीं है। स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय करोगे तो आपके जो ग्रंथ हैं, आपकी ग्रंथियां हैं, ग्रंथ पढ़ने से खुल जाएंगी, आपके जीवन का कल्याण होगा। आज यहाँ बड़े भक्तिभाव से अशोक विहार फेज 2 में हमारे आचार्य जी पूरे संघ को लाए, और यहाँ पर मुनि सुनाथ विधान की आराधना कराई जा रही है। निश्चित रूप से मुनि सुनाथ भगवान कौन से ग्रह के अधिष्ठाता है? शनि ग्रह के अधिष्ठाता है। आज शनिवार है, शनिवार के दिन मुनि सुनाथ भगवान की लोग जाप करते हैं, पूजा करते हैं, 40 पढ़ते आरती आदि सब कुछ करते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्यों भटकते हो इधर उधर, क्यों भटकते हो इधर उधर, क्यों जाते हो ग्रह शांति के लिए इधर उधर, क्यों भटकते हो इधर उधर, क्यों जाते हो ग्रह शांति के लिए इधर उधर। यदि आपको शांति चाहिए है, यदि आपको शांति चाहिए है, तो एक बार जिन मंदिर में आकर 24 भगवान से नाता जोड़ दो, आपके सारे ग्रहों की शांति अपने आप हो जाएगी, सारा कल्याण हो जाएगा। यही मंगल सुभावना आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।